मैं रेखा आप सबका स्वागत करती हूँ बाबा राष्ट्र न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओवैसी की कार पर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार, गोली चलाने का बताया यह कारण। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना गुरुवार को उत्तर प्रदेश की है, जहां चुनाव प्रचार करके वे दिल्ली लौट रहे थे। हैदराबाद से सांसद ने कहा कि घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के नजदीक टोल प्लाजा पर हुई। शूटर अपने हथियार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने वाले दोनों व्यक्तियों सचिन और शुभम को गुरुवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। हापुड़ के एसपी दीपक भूकर ने बताया कि दरअसल आरोपी ओवैसी की बयानबाजी से गुस्से में थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी कार पर गोली चलाने का कदम उठाया। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।